अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी विकास की प्रतीक, हमारी बहन विधायक भावना झा जी, जो हम सबको अपना मार्गदर्शन दें, अपना थोड़े शब्दों में ज्यादा हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद सर। आदरणीय हमारे सचिव अजय कपूर जी, हमारे हरियाणा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अजय यादव जी, हमारी लोकप्रिय पूर्व सांसद श्रीमती संजीता रंजन जी, हमारी पूर्व विधायक अलका लांबा जी, हमारे बीच आज यहाँ मधुबनी में शामिल हमारे नेता, मेरे गुरु पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, हमारे नेता सदानंद सिंह जी, समीर सिंह जी, ब्रजेश पांडे जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, कृपानाथ पाठक जी, मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ जिला अध्यक्ष के साथ उनकी कमेटी को, और मैं धन्यवाद देती हूँ विशेषकर अपने बेनीपट्टी विधानसभा के मतदाताओं को, जिसके कृपा से आज मुझे मंच पे आपके सामने बातों को रखने का मौका मिला है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के आइडियोलॉजी पे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों को लेकर, सभी समुदाय को लेकर चलने का काम किया है। हम लोगों ने कभी किसी का भेदभाव नहीं किया है, और उसी रास्ते पे चल के पार्टी के आशीर्वाद से, पार्टी के टिकट से मैं चुनकर यहाँ विधायक बनी, और कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी पे ही अपने क्षेत्र में भी अपना काम करती रही। हम बात करते हैं अभी बिहार किन किन मुद्दों से जूझ रहा है। अभी बिहार जूझ रहा है कोरोना जैसे मुद्दे से, बिहार जूझ रहा था अभी फिलहाल बाढ़ में, बिहार सरकार कहाँ गायब थी? मैं पूछती हूँ, कोरोना में भी बिहार सरकार ने काम करने के बजाय अपने ऑफिसरों को छूट दे रखा था लूट खसोट के लिए। बाढ़ में का क्या यहाँ समाधान हुआ है? हर साल बाढ़ आती है, हम लोग जूझते हैं, यहाँ की पब्लिक परेशान होती है, त्रस्त होती है, कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है, और फिर से लूट खसोट शुरू हो जाती है, बाढ़ का समस्या का कोई निदान नहीं निकलता है। अभी कोरोना में जब हमारे प्रवासी मजदूर भाई लोग यहाँ पहुंचे थे, क्या हाल उनका हो रहा है? हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और प्रवासी मजदूरों की समस्या से अवगत हो रहे हैं। जो हमारा रोजगार था यहाँ पहले से ही छिना हुआ था, तो बेरोजगारी के चलते लोग पलायन किए हुए थे, वो लोग पुनः अपने घर को कोरोना में पैदल चल के यहाँ तक पहुंचे हैं, और अभी भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हमारा ही केंद्र सरकार का लाया हुआ योजना था मनरेगा, जिसे विपक्ष ने नकारा योजना कहा था, आज उसी मनरेगा के तहत उन मजदूर लोगों को काम की एक प्रलोभन दिया जा रहा है। मैं देखती हूँ, क्षेत्र में घूमती हूँ और देखती हूँ, मजदूरों का नाम उसमें सूचीबद्ध किया गया है, उनके नाम पे पैसा की उठाई हो रही है, लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है। मनरेगा के थ्रू भी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, तो मैं बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि इन गरीब मजदूर जो अपने घर को आए हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, अपराधीकरण जो यहाँ हो रहा है, जिस पे बिहार सरकार चुपचाप सोई हुई है, उनका कोई भी यहाँ पे कारगर कदम नहीं उठा रहा है। मैं आपके सामने बात रखना चाहती हूँ, अभी फिलहाल हमारे ही क्षेत्र में एक यादव समुदाय की लड़की थी, वो किसी समुदाय नहीं होता है, हम सब की बेटी थी सोनी, उसके साथ इस तरह का घृणित कार्य हुआ है, उसके लिए भी अभी तक बिहार सरकार सोई हुई है। मैं आप लोगों के सामने ऐसी तमाम समस्याएं पूरे बिहार की रखना चाहती हूं, जिससे हम लोग रोज रूबरू होते हैं, लेकिन बिहार सरकार के कान की आवाज नहीं जाती है। मुझे बहुत कम समय मिला है, मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करती हूं, और मैं चाहती हूं कि जो हमारे साथ यहां पे और भी लोग बैठे हैं, उन्हें भी समय चाहिए, बातें बहुत कुछ भी है। अभी तो हमारे पार्टी की ये शुरुआत हुई है, कांग्रेस पार्टी जहां भी रहती है अपने आप को दिखा के रहती है, अपने आप को साबित करती है कि हमारे लोग जहां भी रहते हैं खुददारी के साथ रहते हैं, खुददार होके काम करते हैं। पार्टी ने मुझे
टिकट दिया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद, मेरे विधानसभा मधुबनी और कलवाही प्रखंड के नेतृत्व का धन्यवाद, लोगों का धन्यवाद कि आज उन्होंने मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया और मैंने ईमानदारी पूर्वक अपने क्षेत्र का नेतृत्व किया, विकास का काम किया। ये लोग मेरे पार्टी के लोग ही नहीं, मेरे विरोधी पार्टी के लोग भी बोलते हैं। आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, मेरे क्षेत्र के लोगों का, हमारी पार्टी का। तो मैंने जैसा काम पिछले 5 सालों में करके दिया है, उससे भी आगे की जाने की कोशिश करूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।